फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस पर्टिकुलर रिएक्शन वीडियो पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कमेंट ज़रूर करना। तो जैसे कि आप सब ने देखा था कि कल अरमान का वीडियो आया था और अरमान की वीडियो के बाद लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। इनफैक्ट मैंने भी अपनी कल की वीडियो में अरमान की भर भर के तारीफ़ करी। बट कहानी में आ गया है ट्विस्ट। जी हाँ, क्योंकि सरोज भाभी ने अपनी साइड की स्टोरी भी बता दी है और अरमान की कल की काफ़ी सारी ऐसी बातों को उन्होंने डिनाई किया है और अपना वर्जन बताया है। यहाँ पे पहला वर्जन आया था सरोज भाभी का, उसके बाद रिप्लाई में अरमान ने अपना वर्जन बताया और अब आया है वापस से सरोज भाभी का उनकी वीडियो पे जवाब। लेकिन टाइटल इतना ज़्यादा सेंसिटिव था क्योंकि वो परेशान तो बहुत नज़र आ रही थी। आज उन्होंने अपने घर का पूरा एक एक चीज़ दिखाई, जो घर में तोड़फोड़ हुई हुई है, जो घर में चीज़ें टूटी फूटी हैं, वो सब उन्होंने दिखाया। लेकिन वो सब दिखाने के साथ साथ उन्होंने अरमान की बहुत सारी चीज़ों से डिनाई कर दिया। जैसे कि अरमान ने ये बोला कि मैं तो बोल रहा था कि गोलू को चंडीगढ़ भेज दो, इसको एडिटिंग वगैरह सिखा देंगे, और गोलू चंडीगढ़ गया भी था। उसने बोला था कि मेरे एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म होंगे मैं चंडीगढ़ आ जाऊँगा, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद गोलू चंडीगढ़ भी गया, वहाँ पे 4 दिन रुका भी। लेकिन 4 दिन रुकने के बाद अरमान ने कॉल किया और उनके कॉल के हिसाब से घर में जो उनकी मैनेजर हैं उन्होंने बच्चे को 2,000 रुपये दे के बोला कि यहाँ से जा। जाने का रीज़न ये खुल के अभी सरोज भाभी ने बताया नहीं कि आखिर क्यों उन्होंने गोलू को वहाँ से वापस भेजा। क्योंकि एक तरफ कल अरमान ये बोलते हुए नज़र आ रहे कि मैं तो घर के हर मेंबर को बोलता हूँ, अपने परिवार के हर सदस्य को बोलता हूँ, चंडीगढ़ आके रहो, चंडीगढ़ आके रहो, चंडीगढ़ आके रहो। लेकिन जब सिर्फ एक जना चंडीगढ़ पहुँचा तो उस एक ही जने का खर्चा पानी या उसको नहीं रख पाए। और जहाँ पे अरमान पूरे पूरे परिवार को उठा के लाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो अपनी बहनों के हो, चाहे वो अपनी भाभी के हो, तो आखिर मामला है क्या, सच्चाई है क्या? क्योंकि सरोज भाभी परेशान नज़र आ रही थी और झूठ तो देखो नहीं बोल रही होंगी, वो जैसी भी हैं लेकिन झूठ कम बोलती हैं, मतलब झूठ इतनी नहीं बोलती, ना ही उन्हें बातों को मैनिपुलेट करना आता है और ना ही उनके पति पर उनका कोई बस है। वो आप लोग उनके घर की कंडीशन देख के समझ ही सकते हो कि उनके पति पे उनका कोई बस नहीं है, और साथ ही साथ उनको किसी चीज़ का लालच भी नहीं है। क्योंकि अभी भी जो औरत ये बोल रही है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ घर छोड़ के, सामान भी बता देना कि मैं क्या क्या लेके जाऊँ या क्या क्या लेके नहीं जाऊँ, उसकी भी लिस्ट बता देना, मैं उसके हिसाब से ही चीज़ें लेके जाऊँगी, इसका मतलब तो यही है ना कि उस औरत के अंदर लालच नहीं है। पहले तो उस घर पर उसके बच्चों का और उसका हक बनता है, वो उस घर से जा ही क्यों रही है, उस घर को छोड़ ही क्यों रही है? और कौन है जो इस घर को अपना बोलने का दावा कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं समझा रहे या उन्हें इस चीज़ के लिए नहीं रोक रहे कि ये घर आप ही का है, आपको ये घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की स्थिति में अपने 3 बच्चों के साथ एक औरत अपने घर को छोड़ के जाने की बात कर रही है, जिस घर पे वो बहू बन के आई, जिस घर पे उसने अपने सास ससुर की सेवा पानी करी। सेवा पानी से याद है कि अरमान ने कल एक इमोशनल बात भी बोली थी कि मैंने इस कंधे पे 4 जनों का लाश उठाई है और मैं अब नहीं चाहता कि मैं अपने भाई को उस स्थिति पर आने दूँ, तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन यहाँ पर उस बात को भी डिनाई किया है सरोज ने कि जो दादी थी या जो दादाजी थे उनकी सेवा पानी तो सरोज ने खुद करी थी, वो सब कुछ तो सरोज करती थी और ये बात सबको पता है। लेकिन फिलहाल की एट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सारे के सारे एक तरफ हैं, यानी कि अरमान का पलड़ा भारी है। क्योंकि जहाँ पे कल सपना दीदी का अरमान के फेवर में एक वीडियो आ गया था, वहीं पे आज सुनीता दीदी का भी अरमान के फेवर में एक वीडियो आ गया है, और वहाँ पे इस समय अकेली पड़ गई हैं सरोज। पर अगर देखा जाए तो वो परेशान हैं, और परेशानी में परिवार का फ़र्ज़ यही बनता है कि उनका हाथ पकड़ के उनको समझाएं, ये नहीं बनता कि उनके खिलाफ वीडियो 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 खेलते रहो। ये वक्त वीडियो बनाने का नहीं है, उनको फ़ोन करके या उनसे मिलने जाने का है, उनकी परिस्थिति को समझने का है। उनका बात करने का तरीका ही ऐसा ही है, जो शायद ऐसा लगा कि वो घमंड में बात कर रही हैं या एटीट्यूड में बात कर रही हैं, बट उनका बात करने का तरीका और टोन ही वही है। अरमान ने कल अपना पूरा वर्जन सुनाया, लेकिन आज सरोज भाभी का वर्जन सुन के ना सच बताओ तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था अरमान अब अपने परिवार को जोड़ने की, एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे सरोज भाभी के कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुन के ऐसा लग रहा है कि घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपने लिए एक टीम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस टीम का हिस्सा भाभी को क्यों बनाया नहीं गया? आखिर भाभी के साथ ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि अरमान ने सबसे पहली बार किसी चीज़ पर रिएक्ट किया, और जब रिएक्ट किया तो इतनी सारे झूठ बोल दिए कि भाभी ने यहाँ पे आके उन झूठ पर से पर्दाफाश कर दिया।
उसके अलावा कुछ 20,000 रुपये लेके भी कुछ बात हुई थी कि वो जो 20,000 रुपये लिए गए थे वो आखिर किस खर्चे में और कहाँ लगे थे। फिलहाल तो ये सब चीज़ें देख के अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि सरोज भाभी को वो घर छोड़ के जाना चाहिए और इस चीज़ में परिवार को इंटरफेयर करना चाहिए कि उनको वो घर छोड़ने के लिए ना बोला जाए, उनको उस घर में रहने के लिए बोला जाए। और जो हक लोग जता रहे हैं, कितना किसी का हक ले लोगे, किसी के लिए तो कुछ छोड़ दो। आपके पास आज की डेट में सब कुछ है, लेकिन अगर फिर भी आपका किसी प्रॉपर्टी पे नज़र है और वो भी उस प्रॉपर्टी पे जिस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कोई रह रहा है, जिसकी देखभाल किसी और ने करी है और आज उन्हीं को घर से बाहर जाना पड़ रहा है, जिस घर को संजो के उस औरत ने रखा है, छोटी छोटी चीज़ें खरीद के लाई है, आज उसी को घर से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने बच्चों को और पिटता हुआ नहीं देख सकती, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने बच्चों को गाली खाता हुआ देख के। 20 साल से वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं, गालियाँ, मारपीट, सब कुछ कलह कलेश बर्दाश्त कर रही, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाया। उन्होंने ही अपनी ये जर्नी बताई कि आज तक उन्होंने कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाया, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ क्योंकि अब बात मेरे बच्चों की है और मैं अपने बच्चों को पिटता हुआ नहीं देख सकती। तो अरमान ने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने जो है कालू को रिहैब से निकाला, और अगर रिहैब से निकाला था तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो चंडीगढ़ जाने की बजाय घर में आ गया और घर में आके जो उन्होंने कांड किया, अब वो कांड अचानक से कैसे किया, क्या वो पहले से भरे हुए थे, क्योंकि पहले भी वो लड़ाई करके ही रिहैब गए थे और वहाँ पर उनको सरोज भाभी ने भेजा था, तो हो सकता है कि उस समय का गुस्सा कालू के दिमाग में चढ़ा हुआ हो जो कि वापस से ताज़ा हो गया, या हो सकता है कि कुछ बातचीत आपस में हुई हो। लेकिन जो भी है, फिलहाल उनका कहना यही है कि जो घर में कलह कलेश हुआ है इस बार, उसका रीज़न कहीं ना कहीं अरमान और गोलू हैं। और साफ साफ तौर पे फ़ोन वाली बात के लिए भी वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाया, जबकि जिस नंबर पे फ़ोन करा जा रहा था वो नंबर उनके पास था ही नहीं, वो था कालू की जेब में। और जो नंबर इनके पास था उन्होंने उस नंबर से मैसेज भी किया था और कॉल भी किया था, जिस पर अरमान ने कहा मैं अभी बिज़ी हूँ और मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। उसके बाद अरमान का कोई भी कॉल नहीं आया, व्लॉग भी देखा उसके बाद भी कोई भी कॉल नहीं आया, लेकिन व्लॉग के रिप्लाई में एक व्लॉग ज़रूर आया, जिस व्लॉग को डालने के बाद नो डाउट बहुत सारी ऑडियंस प्यार कर रही है। मैंने भी कल वो वीडियो देखी तो मुझे भी बहुत अच्छी वो वीडियो लगी कि ये बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, अपने परिवार को इकट्ठा करने का इनिशिएटिव ले रहा है, पर भाभी घमंड किस बात का कर रही है। अब सबके साथ होता है कि अगर आप किसी का एक कहानी का हिस्सा सुनोगे तो थोड़ी देर के लिए आप उसकी कहानी में डूब जाते हो या आप उस कहानी को सच मान लेते हो, लेकिन जब आज सरोज भाभी की कहानी का दूसरा हिस्सा सुना तो समझ में आ गया कि चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है, एक्चुअल सच्चाई क्या है वो बताई नहीं जा रही है। क्यों गोलू को वापस चंडीगढ़ से भेजा गया सिर्फ 4 दिन के अंदर, और यहाँ पे पूरे परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उठाने का दावा किया जा रहा है कि आज हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम पूरे परिवार को खिला सकते हैं। तो जब वो बच्चा 4 दिन के लिए वहाँ पे गया था तो उसको 2,000 रुपये दे के वापस क्यों भेज दिया गया, ऐसा क्या हुआ था? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती हैं। अब देखते हैं इसके रिवर्ट में अरमान वहाँ से कोई जवाब देते हैं या नहीं, या सरोज भाभी इसके बाद कुछ और बात करती है नहीं। फिलहाल वो यही कह रही हैं कि मुझे परेशान मत करो, मुझे इतना टॉर्चर मत करो कि मैं कुछ कर लूं। और वाकई में इस समय उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी जो है डिप्रेसिव लग रही है, और इस समय आप प्लीज़ इतने व्लॉग डाल के ना उनको प्रेशर में मत डालो, क्योंकि व्लॉग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं और ऑडियंस जिस तरीके से उन्हें नेगेटिविटी दे रही है, गालियाँ दे रही है, अब्यूज़ कर रही है, ऑफकोर्स उन्हें बुरा लग रहा होगा। छोटी मोटी बात नहीं है, जिस तरीके से उनके घर की हालत हो रखी है, इस नाजुक हालात को समझो, उनके लिए वीडियोस मत बनाओ, उनसे बात करो, उनसे मिलने जाओ, उनको समझाओ, उनको अपना सपोर्ट दिखाओ। जिस तरीके से बहनों को सपोर्ट दिखाया गया, जिस तरीके से बहनें सपोर्ट दिखाने चली गई, वैसे ही उसको भी इस समय आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग उसे अपना सपोर्ट दिखाओ, भाई में ऐब है ना, लेकिन उसने तो आप लोगों की इज्जत खातिरदारी में कभी कोई कमी नहीं करी। जो करा कालू ने करा वो तो अपनी बीवी के बच्चों के साथ भी कर रहा है, तो उस चीज़ का हर्जाना या उस चीज़ की वजह से बीवी को इतनी नफरत क्यों मिल रही है कि वो अपने पति को कुछ सिखाती पढ़ाती होगी। बट मुझे लगता है कि जो बंदा एडिक्ट होता है ना, वो कभी किसी के सिखाने पढ़ाने में नहीं आता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। आज वो आपको भी गाली दे देगा, कल वो उसको भी गाली दे देगा, उसका कोई सिखाया पढ़ाया काम नहीं आता है।
तो यहाँ पे सरोज भाभी की हेल्प की परिवार के लोगों को ज़रूरत है। वीडियो में ये खेल खेलना बंद कर दो, वो बहुत परेशान है। ऐसा ना हो कि आप लोगों की इस वीडियो की वजह से वो कुछ गलत हरकत कर दें, फिर जिसके लिए आप लोग बाद में रोते रहो या सॉरी बोलते रहो या अपने आप को कवर करते रहो। वीडियो बनाने की बजाय उनके पास जाइए, उनको फ़ोन कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि वो घर छोड़ के ना जाएं। उस घर पे उनका पूरा हक बनता है, उनके बच्चों का पूरा हक बनता है। वो क्यों घर छोड़ के जाएंगी? उस घर को उन्होंने बनाया है, उन्होंने संवारा है, उन्होंने संभाला है, वो उस घर को छोड़ के क्यों जाएंगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।